अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक ब्रांड न्यू नए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, अभी करना बैलेस कैद खाना। यहाँ पर क्या होता कहता हूँ, टीपू सुल्तान जैनी एक ब्रिटिश कैदी को लाको एक कैद खाने में फेंकते, उसकी डेथ वॉच होती है। चलो उसके बारे में दिखाता हूँ। आए मेरे जिगर के टुकड़ा, कैसे ही सब जने सोचतूं कि सब मस्त मजे में रहेंगे। अभी मैं चलूं कहाँ कहते तो कर्नल बेलिस देगा, उसे कारागृह भी कहा जाता, जो अंधेरे कोठरे में वहां पर कैदियों को फेंकते थे। तो वहां मैं चलूं और तुमने डिटेलियों को हिस्ट्री बता दूं तो तुम्हें गौर से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कहते तो बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा दिमाग 5 कॉन्सेंट्रेट रखो। कैद खाना है जहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर को फेंका गया था, देख सकते हैं। ये तो जमाने में ऊपर थी, ये ऊपर से नीचे गिरे, गिरे तो ये दो हल नहीं हो पाए। ये गिरे जब ये खड़ी होगी वो गवर्नमेंट से ओपन करे नीचे सुलाने के लिए। ये पूरा सीमेंट नहीं, मुर्गी का अंडा, चुन्ना, गुड़, पत्थर, मिट्टी उसमें बंद है। बीच बीच में जरा सीमेंट डाल को पैच करे तो गवर्नमेंट से 1795 में 4 तारीख को जब टीपू सुल्तान उन्होंने शहीद हो जाते हैं, वो लास्ट बार उस जंग में इसको पे फायरिंग करते समय ये व्हील कटों पर गिर गया। ये लोहे का पंच लोहा है, उस पर बारिश पड़े तभी जंग नहीं खाता है। तो इधर एक्चुअली यहाँ पर क्या होता कहते तो सिक्योरिटी अपना हिस्ट्री बताते रहते हैं। ये कारागृह बोले तो अंधेरी कोठरी किसके वास्ते बने कर को समझाते रहते हैं। वहाँ दीवार के पास समझाने कर को लेक जाते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कृपया मैं अभी यूनिफॉर्म में हूँ तो मेरा वीडियो मत करो कर को बोलते हैं उन्होंने। दोस्तों तो अभी हमें एक टीपू सुल्तान तब की क्या बने थे, प्रिजन बने थे, कैद खाना क्या, इसके अंदर होल्स हैं। ये होल्स में क्या करते थे कहते, कैदियों को लाकर भरते थे, उनको मारते नहीं थे कहते, बुलाको बंद को उधर एक उधर वहाँ एक सुराख है, वहाँ से पीछे कावेरी नदी से यही वो जगह है, ऐसे कावेरी नदी का पानी छोड़ देते कैदियों को या दाल को पानी छोड़ देते। एक जगह पानी छोड़ देते, बाद में क्या होता था तो पानी आता था उनके गर्दन तक, आंखों को अजियत देते थे। बहुत से ब्रिटिश ऑफिसरों को क्या करें, लाखों मारे, जैसे कि कर्नल बेलिस, कर्नल ब्रेथवेट, टन रुले, कैप्टन ब्रेड, इंडसे और साइमन जैसे ब्रिटिश कैदियों को लाके यहाँ उनकी लाके फेंकते थे। और इसी वक्त इनकी क्या भी यहाँ पर मौत हुई थी। और इसके अंदर एक देखे रहेंगे तुम्हें, एक तोप है, असली में तोप वहाँ था ऊपर, वो तोप क्या होता नीचे गिरता, ओके नीचे गिरता। ये जो देख रहे हैं तो ये मेन गेट नहीं है, आर्टिफिशियल इन्होंने बाद में बनाए, सो मेन गेट है सो ये जो देख रहा है, ये वो पहले का जो मेन गेट था उसे क्या करते हैं, उसे बंद कर को यहाँ से मेन गेट को यहाँ से गेट ओपन करते हैं। देख सकते हैं कितनी अंदर एक कोठरी है, यहाँ पर कैदियों को लाखों फेंकते थे मेन टीपू सुल्तान उन्हें बनाए। सो 1780 में कर्नल बेलिस उनकी डेथ यहाँ छुई थी, उनको बनते थे एक बंद को कावेरी नदी का पानी क्या करते थे अंदर छोड़ते थे, पूरा गर्दन तक आता था पानी, उतना पानी छोड़ने वाले छोड़े बाद ऐसा उनको अजियत देते 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 फाइनली उनकी डेथ होती है। कौन है, कर्नल बेली, उनकी डेथ होने बाद क्या करते हैं उनके नाम से ये जगह को रखो छोड़ते हैं, समझा गया सबको। इसका नाम कर्नल बेलिस देखो कर का नाम रखें कह तो कर्नल ब्रिटिश जो कर्नल था उसे क्या करते हैं लाखों टीपू सुल्तान उन्होंने लाखों फेंकते हैं। ये जगह मुनि 1780 में उसकी डेथ हुई थी, जो ब्रिटिश का ऑफिसर जो था उसके नाम पर क्या करें ये जगह को नाम दी कर्नल बेलिस देगांवकर को। देगांवकर तो जो कैद खाना अंधेरा अंदर एक कैद खाना, तो दोस्तों यही वो कावेरी नदी है जहाँ से ये पानी अंदर कैद खाने में छोड़ा जाता था कैदियों को अजियत देने के वास्ते, मारते नहीं थे लेकिन अजियत देते थे उनको। ये जो कावेरी नदी
ये कावेरी नदी क्या होती, तमिलनाडु को जाकर पहुंचती। मेरे जिगर के टुकड़ों, थोड़ा सपोर्ट करो छोटा भाई समझकर। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।